अरबत न लिख का वो तो ठीक है, कोई प्रभावशाली होता है, नजदीक पहुंचा हुआ होता है तो अखबार में डाल देता है। छोटे मोटे अखबार में डालने से कोई बात बनती नहीं उतनी है। जो बड़े बड़े प्रसिद्ध अखबार हैं, हाँ जी, बड़े अखबार में आ गए, छोटे मोटे अखबारों को कोई पूछता नहीं है। हाँ जी, उनकी किस्मत फूटी हुई समझो, ऐसा मुरलीम बोला है। बेहद में, अरे हद में भी पहले मतलब समझ लो तो बेहद में भी समझ लो। जो सब है स्थूल धन कमाने में बुद्धि लगाते हैं उनके लिए तो सीधी सीधी समझने की बात है, भगवान के ज्ञान धन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन ज्ञान में चलने वाले भी कोई कोई ऐसे हैं, बस ज्ञान ही ज्ञान जा रहे हैं, बाप में लव बिल्कुल नहीं है। तो उनकी किस्मत फूटी हुई है, फूटी हुई ये अच्छी किस्मत है। ज्ञान का अहंकार बहुत हो जाता है और याद बिल्कुल नहीं होती। अरे हद में हद आया। कृष्ण को सतोपदानी स्टेज में दिखाया है, किशोर अवस्था में, बचपन की अवस्था में नहीं दिखाया है, बचपन रूप में भी दिखाया है, किशोर रूप में भी दिखाया है, है और बड़े रूप में दिखाया है। तो महाभारत युद्ध करा देता है तो कौन सा कृष्ण अच्छा है, विनाशकारी अच्छा या कलोना रूप अच्छा है? इसलिए माता है बच्चे कृष्ण को बहुत प्यार करती है। और बाबा स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, किन किन बातों से? जब हो आत्मा आत्मा भाई 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 बहन, एक बाप के बच्चे, दूसरे सब संबंध खराश हो गए तो तड़ी किसके ऊपर झाड़ते कि हमारी बात मानो, हम तुम्हारे पति हैं परमेश्वर है माता का मोह तो बच्चे और तड़ी झाड़ना चाहिए फिर क्यों? अरे क्यों नहीं जाननी चाहिए है? क्योंकि हम भी आत्मा और वो भी आत्मा, दोनों आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई कि जब पति पत्नी थे। हमारा कोई अधिकार जमाना नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। लौकिक कर्म कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करके नहीं आया और टीचर ने उसको डांटा है तो लौकिक स्टूडेंट तो बुद्धि में नहीं है ज्ञान। हाँ, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञानियों के परिवार की बात हो रही है। ज्ञानियों का जो परिवार है उस परिवार में स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अब ज्ञानियों से तालमेल थोड़ा ही करना है, तो मालूम है वो डागली पढ़ाई है और ये डागली पढ़ाई है। डागली पढ़ाई में तो पढ़ने वाले भी क्या बनने वाले हमें मालूम है। बाबा योगियों को आंखों पर चश्मा नहीं लगता है, आंखों को कौन सी मुरली बोला? नहीं यानी बहुत से योगी होते हैं उनको चश्मा नहीं होता है। वो योगी होते हैं उनको भगवान का परिचय होता है? नहीं होता है। नहीं होता है फिर योगी कैसे कह दिया है? अंधा जो आदमी होगा उसको वो भगवान की याद नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता अच्छा अंडा नहीं जो झुंझुला है थोड़ा 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 झुंझुला दिखाई पड़ता है तो भगवान की याद कर सकता है कि नहीं वो योगी नहीं हो सकता अच्छा जिसकी आंख में चश्मा लगा हो वो है क्यों योग की पावर से आंखों में रोशनी आ जाती है तो उससे नंबर निकल जाना चाहिए ना आपकी पावर से रोशनी आना चाहिए लेकिन जो मिसाल दिया हुआ है कि सांप जब कैचुल त्यागता है चौथी बार तो वो अंधा हो जाता है शरीर तुम्हारे सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी इसका मतलब शरीर में आंखें हैं कि नहीं शरीर में आंखें हैं तो आंखों की भी दुर्गति होनी है कि नहीं होनी है उनकी भी दुर्गति होनी है तो जिनको चश्मा है उन्होंने आंखों से रोज गंदे कर्म किए क्या बाबा वो तो ठीक है दूरदार अंधे हो गए थे तो अंधे हो गए थे तो जरूर उन्होंने आंखों से कोई ज्यादा पाप कर्म किया होगा तो अंधे हो गए सूरदास कौन सी आत्मा बनती है कृष्ण की आत्मा ही सूरदास बनती है सूरदास बन के अपनी महिमा लिखती है शास्त्र लेकिन बाबा ऐसे बोला कि कृष्ण ना इतना पतित बनता है ना इतना पावन बनता है इतना माना उससे भी ज्यादा गंधा प्रजापिता बनकर छत्तीस के बाद शुरू हो गया या पहले छत्तीस के बाद ही ब्रह्म ड्रामा शुरू होता है पहले क्यों होगा जब तक रिहर्सल होती है तब तक ब्रह्म ड्रामा थोड़ी कहेंगे रिहर्सल खत्म हुई और ड्रामा शुरू हुआ बाबा एक बात बाबा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने वाला एडवांस की आत्मा है बड़ी मम्मी तो वो मैंने एडवांस अनालिस घर बैठे लिया होगा कहीं जाना आना नहीं पड़ा होगा हाँ ट्रे लिया आत्मा ने बैठे बैठा है ट्रे माने ज्ञान की थाली लिया मैंने ले लिया उसकी मम्मी को जाना आना पड़ा होगा कोई सेंटर वेंटर में है तब सेंटर में जाके भगवान मिला होगा लेकिन उसको घर बैठे मिला होगा बाबा मुरली में बोला कि कृष्ण पूरा बुद्धि में बैठ गया उसके कि मैं ही गीता का भगवान हूँ जन्म से और गीता माता की दुर्गति मैंने बाबा बोलते हैं तो फिर दोनों भी बाबा बोलते हैं है नहीं दुर्गति माताओं की दुर्गति है नहीं कलयुग के अंत में है ना तो माताओं में जो सबसे बड़ी माता है उसकी तो और ही ज्यादा दुर्गति हो गई तो वो रावण से बरगलाई जाती है हाँ जी हाँ जी दोनों भी ऐसे है फिर कैसे होगा दोनों वाले कौन कृष्ण वाली सोल और रावण किसको कहा जाता है पहले तो ये पक्का करे वो दस शेर वाला रावण माने दस शेर पांच शेर पांच शेर रावण के माया रावण के पांच सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनमें माया भी बैठी हुई है क्या माया वो भी बैठी हुई है जिसको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिलता है और फिर मंदोदरी भी बैठी हुई उसको भी पांच सिर है मंद उदरी मंद है बुद्धि रूपी पेट जिसका जो मंद बुद्धि होगा उसको बरगलाया जाएगा या जो तीक्ष्ण बुद्धि होगा उसको बरगलाया जाएगा जो मंद बुद्धि होता है उसको बरगलाया जाता है रावण बरगलाता है मंदोदरी को वो पांच से कौन से हैं प्रकृति प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके घड़ी किसके लिए बाहर की दुनिया वालों के लिए पहले किसको झाड़ू लगाएगी है बाप के बच्चों को पहले झाड़ू लगाएगी विदेशी बच्चों है विदेशी बच्चों को है जो महाकाली का मंदिर है ना जहाँ कृष्ण का मंदिर होता है उसके सामने महाकाली का मंदिर नहीं कहीं दिखाई देगा क्या नहीं हाँ
ये नियम बना हुआ है कि झाड़ू जो है वो कीड़े मकोड़ों को ही लगेगा, जो भगवान के सच्चे बच्चे हैं उनको तो महाकाली की हवा भी नहीं लगेगी। और बाबा योग से भी कर्म विनाश होते हैं, लेकिन कोई कोई बोलते हैं जब योग नहीं होता है तो भी कर्म विनाश है तो अपने दुख कुछ आता है शरीर से, कुछ जो दर्द होता है उससे भी कर्म विनाश होता है। दर्द होता है वो यानी बीमारियाँ वो रो रो के होता है तो उससे भी कर्म, और याद में मुकड़ा खिल जाता है तो कौन सा अच्छा, याद याद वाला ज्यादा अच्छा होता है। बाबा नहीं है बाबा, किसी भी हालत में रोना नहीं है ना, रोने वाले बच्चे बाप को प्रिय नहीं है, बीमार होते हैं। हाँ तो कोई कोई होते हैं ना, कोई कोई अनुभव भी सुनाते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं अरे इसको हमने इतना ऐसा ऐसा देखा, ऐसी स्थिति में देखा, ये तो परम प्रसन्न दिखाई पड़ता है, वो कैसे होता है बाबा जिसका कुछ दुख जाए नहीं बीमारी आती नहीं उसका भी कर्म विनाश नहीं होता, होता है योग से होता है। हाँ तो वो तो ज्यादा भाग्यशाली हुआ कि आखिर जन्म में भी उसको स्वस्थ चोला मिला है, माने शरीर तो लिया पूर्व जन्म में लेकिन शरीर से कोई किसी को दुख नहीं दिया तो दुख नहीं मिल रहा है। बाबा पूजा हाँ ज्यादा देवान होगा है, जो धनवान होते हैं उनको देवान भी ज्यादा होता है, चूहा धनवान होता है। चूहा नहीं गणेश की बात कर रहे हैं, चूहे के ऊपर तो सवारी करता है तो उन्होंने यही उन्होंने धनवान की बात की नहीं चूहे की, चूहा की पूजा थोड़ी होती है, गणेश की पूजा होती है कि चूहे की भी सवारी क्यों दिखाई है, क्योंकि जिसके ऊपर गणेश की सवारी होती है वो अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं पूरे मकान को। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी तथाकथित ब्राह्मणों को पता ही नहीं पड़ता कि हमारा पूरा सेंटर खाली हो गया। एक दो आए तो वो इतना हंगामा करते हैं, एक दो भी आगे तो इतना हंगामा। हाँ तो इसका मतलब चूहे ने सेंध नहीं लगाई, चूहा एक तरफ फूंक मारता जाता है, ठंडी ठंडी फूंक मारता है और जहाँ कोमल देखता है वही काट लेता है। बाबा उसको पहचान देते हैं बाबा जी, तो कहते तुमने शिव बाबा माना है, हमने कुछ माना नहीं है, हमने माना है शिव बाबा। क्या उसको परिचय दिया तो बोलते यहाँ की मुरली ले जाते हैं, तो उसको बोला कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में भी शिव बाबा ने सुनाई, यहाँ तो स्पष्टीकरण भी शिव बाबा ही दे रहे हैं, तो वो बोलते तुमने माना है शिव बाबा। हमने गणेश की पूजा बॉम्बे में बहुत ज्यादा होती है, मुरली का ऐसे बोला है, है? गणेश की पूजा बम्बई में तो प्रैक्टिकल में नहीं होती क्या, मुरली बोला है वही बात बोली जो प्रैक्टिकल में हो रही है, पूरी बात हुई नहीं अभी। माया की नगरी में गणेश की बहुत पूजा होती है तो एक मुरली में बोला गणेश वास्तव में ब्रह्मा ही गणेश है, तो ब्रह्मा की आत्मा तत्व प्रधान और रजो प्रधान और तत्व प्रधान नहीं बनती है, जब रजो प्रधान बनती है रजो प्रधान से नीचे आती है तो गणेश हनुमान की पूजा दिखाई गई है, जानवरों की पूजा दिखाई गई है, माने जो देवता थे वो जानवरीय पर उतर आते हैं। पर बाबा उसकी पहले पूजा करते शिव के भी पहले, तेरे को कोई खासियत रही होगी, क्या खासियत, वो ही माँ बाप का चक्कर पहले लगा लिया, उन्होंने माँ बाप को सब कुछ समझ लिया, अभी भी पहचान नहीं रहा है, हैं? अभी भी पहचान रहा, वो जब पहचानेगा तब की बात, अब की नहीं। यहाँ तो जो पहचाने बैठे हैं वो भी लफड़ा करते रहते हैं। तो ऐसा बोला ना बाबा अभी कि वो ज्यादा धनवान रहता है, धनवान मतलब ज्ञान से धनवान, माथा चौड़ा होता है ना, हाथी रूपी महारथी का माथा कैसा होता है, बहुत चौड़ा होता है, और काम कान भी बड़े लंबे, माने बहुत सुनता है,
लेकिन वो तो बच्चा है ना, फिर वो किधर बच्चा है तो क्या हुआ, धनवान किधर है, कौन गणेश बच्चा है माने धनवान नहीं है, बच्चा है मतलब कम धनवान है ना, वाह दोनों हाथों में लड्डू है दादा। हाँ, गांव के दो भाई अभी भर्ती करके आए एक महीना पहले, सेंटर पे उनको पता चला लास्ट में, तो सेंटर वालों ने इतना दबा के रखा है उनको कि पूरा दो तीन तालुका में उन लोगों को सेवा करने के लिए उन लोगों ने पूरा पैक कर रखा है, सभी नहीं सकते और सेवा बांध दिया पूरा। हाँ जी। हाँ, तो वो भाई लोग पूछे जाके कैसे सेवा करे, हमारे सरकार से नहीं करती जरा भी नहीं, उन लोग कुछ भी उन लोग सेंटर पे दबा के इतना रखा है और झूठा सब बुलाने को लगा उन लोगों को, ऐसा ऐसा बोलो करके सभी सेंटर के भाई लोगों को, उनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठा नहीं है इसलिए आधीन हुए पड़े हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठ जाएगा वो तो स्वाधीन रहेगा, किसी का आधीन कैसे होगा, घर में हो बाहर हो ब्रह्मा कुमारियों में हो सारी दुनिया में हो तो भी वो राजा होगा तो राजा बन के रहेगा। उनका ईगो के साथ भी जो उन लोगों का जो पहला बेसिक पे थे ना वैसे उन लोग उतना अपोजिट कर दिया गया, ईगो के साथ भी इनके साथ बात नहीं करनी होती है, ऐसे हो गया है इसको बाप मिल गया तो किसी की परवाह नहीं। और अरे हाथ धो के आगे से पीछे तक गणेश के पीछे पड़े इसका मतलब टीवी ज्यादा देखा जाता है। हाँ बोलो है, लेकिन विनाशक क्यों बोला जाता है, जो देह अभिमान से बिलन पैदा होते हैं कि बिना देह अभिमान के, जो बिलन पैदा करेगा वो बिलन को विनाश भी करेगा, सबसे ज्यादा विघन कौन सा पैदा, कौन सा आप कौन है जो विघन ज्यादा पैदा करता है, साथ ही में तो बहुत देह अभिमान होता है तो जो पैदा करेगा उसको भस्म भी करना पड़ेगा। बताया कि गरीब समर्पित होते हैं, सारे कन्याएं जो सब सारे गरीबी समर्पित हुए हैं। हाँ, और क्या कोई ऐसी भी कन्या है जो अपन को साहूकार समझती है, करोड़पति का बच्चा समझती है, यहाँ कोई करोड़पति बैठा है क्या, नहीं लखपति तो आजकल है रईस माना नहीं जाता, लाख रुपए की कोई वैल्यू भी नहीं रहती है। गिरने के पहले गीता माता का थोड़ा सा परिचय दे दिया है, गीता माता होके गई ना, गीता माता के गई थोड़ा सा परिचय दे दिया ये भी के आज में, बाद में इतना हो गया था ना परिचय दे दिया एक किताब में ये भी के आज में। अच्छा अभी की बात कर रहे हैं, अभी एडवांस में गीता माता का थोड़ा सा परिचय दिया है आज में, आदि में हाँ, तो बाद में इतना महत्व बढ़ गया। हाँ, पहले इतना छोटा क्यों, पहले इतना छोटा, हर चीज पहले छोटी होती है फिर बड़ी होती है, आज दे दिया। अरे बीज भी पहले छोटा होता है फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है, हर चीज तार रूप में पहले छोटी होती है बाद में बढ़ जाती है। पृथ्वी माता की तो ये खास खासियत है। हाँ बाबा, एक मुरली में बोले बाप तार है और माँ भी तार है, और एक मुरली में बोले बाप विस्तार है और माँ तार है, आपने समझा नहीं, माँ विस्तार होती है, माँ में जब बीज पड़ता है तो चौड़ी चकरी होती जाती है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करती है उतनी ज्यादा चौड़ी चकरी हो जाती है। ये पृथ्वी भी माता है, पहले सिर्फ भारत माता थी, चौड़ी चकरी होते होते 500 करोड़ की दुनिया की माता हो जाती है। योग से विनाश होते रहेगा, खुशी आएगी,
जब विकर्म विनाश होंगे तो चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला करने में लगा रहेगा। जिसकी उतरती कला होगा वो ना खुद का भला करेगा ना दूसरों का भला करेगा, खुद भी हड़कंप में रहेगा दूसरों को भी हड़कंप पैदा करता रहेगा। गर्मियों के दिनों में इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं होता है, और बाकी दिनों में ही ज्यादा पुरुषार्थ होता है, तो इतना कुछ रहा जाए। गरीबों को गर्मी के दिन ज्यादा अच्छे हैं या सर्दी के दिन ज्यादा अच्छे हैं? बताओ क्यों? गर्मी के दिनों में उन्हें कोई तामझाम नहीं चाहिए, गर्मी में कोई गरीब इतना मरेगा नहीं गर्मी से, और सर्दियों में गरीब ठंड से ही मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि गर्मियों में पुरुषार्थ नहीं होता है। परसेंटेज कम है, जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो तो गर्मी पैदा करने वाले हैं, उनका तो पुरुषार्थ गर्मी में ही ज्यादा होगा, सर्दी में नहीं होता। अमृत वेले से जो योग किया जाता है ना पूरा दिन में कर ज्यादा कौन सा भाव? अमृत वेले जो योग करेंगे जो फाउंडेशन डाल लेंगे तो सारा दिन पावर देता रहेगा, दिन में सारा दिन। अगर अमृत वेला सोए नहीं तो जगने के बाद अमृत वेले उठ के बीच में इसलिए प्रॉब्लम है, जब उठ गए तो 10 बजे फिर 11 बजे तक रीड किया आराम किया तो चलेगा बाबा? उस काम नहीं तो आराम इधर 11 बजे तक कर सकते हैं। जब उनको काम धंधा नहीं है माता कैसे करे है? उनको काम धंधा नहीं है भले आराम करे, और जिनको काम धंधा उनको तो धंधा करना पड़ेगा नहीं तो बाल बच्चे भूखे रहेंगे है। कुछ मेरे बारे में कुछ पर्सनल बातें नहीं, अभी ज्ञान की बातें। बाबा एक अभी कलकत्ता के वार्तालाप में बाबा ने बताया कि जो 16,108 जो आत्माएं है वो त्रेता युग के अंत तक परम धाम से उतरती रहती है। हाँ जी हाँ जी उतरती रहती है, ये नहीं बताया, ये बताया 16,108 प्रिंस प्रिंसेस की गणना त्रेता के अंत तक होगी। अच्छा, माना सत्युग के आदि में एक ही प्रिंस, और सत्युग आदि से अंत तक 8 प्रिंस हो गए, 8 प्रिंसेस हो गई, और त्रेता में उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, बढ़ते 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 आखिरी जन्म में 13वें जन्म में 16,108 प्रिंसेस हो जाएंगे। बाबा रुद्र महाराज के जो 4.5 लाख जो आत्मा है जो विद्रोह आत्मा है वो तो कंचन काया में इसी शरीर से परिवर्तन करेंगे, हाँ जी, तो वो परम धाम से कैसे उतरती रहेगी त्रेता के अंत तक? परम धाम से कैसे उतरती रहेगी? अंत में जब विनाश होगा तब उसी वक्त नंबर वार कंचन काया में परिवर्तन करेगी। क्यों उससे पहले परम धाम वासी नहीं बनेंगी? विद्रोह के स्टेज में नहीं टिकेंगी, तपस्या स्थली में नहीं बैठेंगी, निराकारी स्टेज में? बाबा एक मुरली में ये भी कहा है ना कि देवता वाले आत्मा कलयुग के अंत तक भी ऊपर से नीचे आएगी है, देवता वाली आत्मा है हर धर्म की आत्मा है कलयुग के अंत तक नीचे उतरती रहती है, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे पुराना धर्म हो चाहे नया धर्म हो, हर धर्म की आत्मा है आदि से लेकर के अंत तक नीचे उतरती ही रहेंगी। देवता वाली आत्मा है, देवता धर्म की भी ऊपर से नीचे उतरती रहती है, लेकिन पहले जो स्वर्ग में जाते हैं वो 4.5 लाख है वही देवता होते हैं, वो पक्के देवता हो गए 16 कला संपूर्ण चढ़ती कला वाले। तो जो ब्राह्मण है वो तो अंत तक तो नहीं, वो जो ज्ञान ले लेते वो नीचे बाद में आएंगे ना है, जो ज्ञान नहीं लेते ज्ञान नहीं है
पहले तो जो है जिनके अवस्था अच्छे होती है वो तो ब्राह्मण बच्चे साढ़े चार लाख जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं, वो जल्दी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। तो फिर हम तो कैसा, हम तो कैसा, क्यों 500 करोड़ ज्ञान नहीं लेंगे? 33 करोड़ देवताओं के लिए, 33 करोड़ 500 करोड़ ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे? भगवान की पहचान लेंगे कि नहीं लेंगे? सच्ची पिता को पहचाने कि नहीं पहचानेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान लेंगे या नहीं लेंगे? देवता थोड़े का भले देवता नहीं है, लेंगे तो सब ज्ञान, लेकिन उनमें से जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो साकार में भगवान को जानेंगे भी और मानेंगे भी और उसकी मत पर चलेंगे भी। इसलिए अंतिम जन्म तक भी वो देवता वर्ण की जो आत्माएं उतरती रहती है वो अपने परिवार को बांध करके रखती है प्यार में, और दूसरे धर्म की आत्माएं प्यार में स्नेह में बांध के रखने की उनमें वो चित्त नहीं होती, और वो ज्ञान में नहीं होगी, और ज्ञान भी उतना नहीं उठाती जितनी देवता धर्म की आत्माएं ज्ञान उठाती है। अच्छा, रहने एक दूसरे को बांधने के लिए, एक घर गठन के लिए ज्ञान का धागा और स्नेह का धागा, ये देवता वर्ण की आत्माओं में सबसे जास्ती मजबूत होता है। पर वो ज्ञान में नहीं होंगे तो बाबा, कौन परिवार वाले जो 10 करोड़ के बाद त्रेता के अंत में आएंगे वो? हाँ? त्रेता के अंत से लेकर के कलयुग के अंत तक उतरते हैं वो 23 करोड़। हाँ, वो 23 करोड़ वो क्यों नहीं ज्ञान लेंगे जब सारी दुनिया ज्ञान लेती? बाबा बोल रहे कि ज्ञान में बांध के रखेंगे उनको स्नेह के धागे में। हाँ, अपने परिवार को स्नेह के धागे में बांध के रखेंगे, कानून के धागे में बांध के रखेंगे, माने परिवार उनके परिवार के व्यक्ति जो हैं वो कानून को भी मानने वाले होंगे और प्यार में भी बंधे हुए होंगे, लाव और लव में आगे रहने वाले होंगे। तो ये परिवार या वो परिवार, ये और वो क्या, सारा देवता ही परिवार है, निवृत्ति मार्ग वाले हैं सब, दूसरे धर्म के निवृत्ति मार्ग वाले हैं, देवता धर्म के निवृत्ति मार्ग वाले हैं। आज भी भारत में ऐसे ऐसे परिवार हैं, कोई कोई कहीं कहीं जो इकट्ठे रहते हैं और पूरे परिवार में एक की मान्यता है, जो बुजुर्ग है उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ तो उन्होंने कहाँ से सीखी? हाँ जी, इसका मतलब अपना संगठन और आदि से अंत तक निभाती रही है, ऐसा ही अर्थ उसका? कौन आदि से अंत तक निभाती रही? देवता वाले जो देवता धर्म, देवताओं धर्म में 33 करोड़ भी कोई आत्मा होगी, कोई आत्मा ऐसी भी होगी जो 33वें करोड़ नंबर पे आएगी सृष्टि पर, उसमें भी ये चित्त होगी कि अपने परिवार को बांध करके रखेगी स्नेह और प्यार के धागे में, ज्ञान के धागे में। और इसका मतलब यही होना चाहिए कायदे कानून में बंद करके रहेंगे, कौन सा परिवार है जो भी लास्ट वाला हो? 33 करोड़ अपना यानी आदि से जो अपना संगठन है वो ये संगठन संभाल के आएंगे या? अरे 33 करोड़ भी आत्मा कलयुग के अंत में उतरेगी परमधाम से, उसकी बात हो रही है, अभी भी उतर रही है देवता धर्म की आत्माएं, तो ज्ञान में ले रही है, ज्ञान में अभी नहीं है, अपने टाइम पर ज्ञान में आ जाएंगे। कलयुग का अंत अभी नहीं हुआ, अभी अंत होगा तो सचिव नहीं आ जाएगा, नहीं संगम आएगा ना बाबा, अंत होगा, 1 सेकंड का संगम होता है, ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा, तो संगम पूरा हुआ कि नहीं? नंबर वार सबको वो सेकंड आएगा ना, नंबर वार आएगा तो वो परम धाम से अभी आएगी ऊपर से, कौन आएगी? वो 33 करोड़ की आत्मा, वो आएगी ना लास्ट में, हर धर्म की आत्माएं अंत तक नीचे उतरती रहती है। गुजरना पड़ता है तो प्रधान से समूह प्रधान तक, तो फिर वो उतरती काला हो गई ना, तो फिर समूह प्रधान अवस्था में अगर वो छोड़े तो उसकी संस्कृति कैसे होगी?
याद की स्टेज बढ़ती है कि घटती है? 35 भले नीचे की अवस्था में जाती है, लेकिन याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, घट रही है? हाँ, कम ज्यादा नहीं, कम ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? क्योंकि दुनिया की परिस्थिति बिगड़ रही है या बीच बीच में सुधर रही है? बिगड़ती ही जा रही है। और याद की अवस्था हमारी प्रैक्टिस बढ़ती ही जा रही है, इसलिए अंत में जब टाइम आता है तो हमारी याद की अवस्था उनकी स्टेज की हो जाएगी, लेकिन है हमारे पुरुषार्थ के ऊपर, अपनी अपनी तीव्रता के ऊपर। कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो टाइम को जल्दी कवर कर लेंगे, उनके ऊपर काल का असर नहीं पड़ेगा। और कोई कमजोर होते हैं वो काल के गाल में चले जाते हैं। आने के बाद जो सबसे प्रधान अवस्था थी उनकी हो गई, अंत में सभी की होती क्या? तमो जो सतोप्रधान अवस्था होती है उसकी भी शूटिंग होती है, शूटिंग तो होती है, और जो तमोप्रधान अवस्था होती है उसकी भी शूटिंग होती है। जो सात्विक स्टेज की शूटिंग है वो पहले फल देगी, और जो तामसिक स्टेज की शूटिंग है वो बाद में फल देगी। हाँ। बाबा की जो बाबा के आवाज में एडवांस की सीढ़ी है, कोर्स की सीढ़ी सब छात्रों की, हाँ जी, उसमें हमारा मतलब वो सुना था, तब ऐसा मनन चिंतन चल रहा था अभी तक कि 750 करोड़ आत्माओं को शिव एक साथ परम धाम में लेके जाता है। एक साथ माने नंबर नहीं है, लाइन नहीं है, विनाश के टाइम मतलब कैसे 5-7 रोज में दुनिया का विनाश होगा। हाँ। तो सारी आत्माएं सूक्ष्म बतन में इकट्ठी होंगी। हाँ। इकट्ठी होने के बाद जब लास्ट आत्मा भी अपना ये शरीर का चोला त्यागेगी, वो कौन होगी? प्रजापिता। तो वो अपनी याद की तीक्ष्णता से उन सबको सूक्ष्म बतन में क्रॉस करते हुए वो आगे निकल जाएगी। उसी हिसाब से जो जो योग बल में सीखे होंगे वो उतनी तीखी दौड़ी पहन करके और नंबर वार लाइन में लग जाएंगे और साथ इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब है ना 750 करोड़ आत्माएं मतलब वैसे सूक्ष्म होता में गई है, मतलब देह तो गया है ना उनका, जो देह सूक्ष्म शरीर गया, स्थूल शरीर नहीं जाता, स्थूल शरीर तो इसी दुनिया में रहेगा, इसी दुनिया में रहेगा। हाँ जी, विनाश हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब विनाश तो हो जाएगा उनका सबका। हाँ जी, सबका विनाश हो जाएगा। तो अभी के एक वार्तालाप से बाबा ने बताया कि नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्तक है, तब कृष्ण बच्चे का जो जन्म होता है 2018 साल को। हाँ जी, तो तब जो बाहर की दुनिया है वो रहेगी। बाबा ने ऐसा बोला कि 2036 तक बाहर की दुनिया का धीरे धीरे विनाश होता रहेगा। बाबा ने बोला कि ना सबको संदेश नहीं देने का, सबको संदेश तभी तो मिलेगा जब विनाश का डंका जोर से बजेगा दुनिया में। मतलब बाहर की दुनिया के शरीर रहेंगे 2036? क्यों नहीं रहेंगे, रहेंगे। 5-7 रोज में जो सारी दुनिया का विनाश होगा तो उसमें दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं होंगी। लेकिन जो रामोली आत्मा सबसे लास्ट में ऊपर जाएगी, हाँ, फिर से अपना छोरा धारण करेगी। हाँ। उसके बाद ही वो कृष्ण बच्चे को जन्म देगी ना। क्यों, ये क्या बात हुई? उसने तो पहले ही अपना पुरुषार्थ पूरा कर लिया। वो तो जब चाहे तब परम धाम जाए, जब चाहे तो वापस आए, ये प्रक्रिया उसने पता नहीं कितनी बार पूरी की होगी। अरे बिना कंचन काया बनाए कृष्ण का जन्म 18 में कैसे होगा? जब तक स्वयं निरोगी काया नहीं बनेगी, बच्चे रचना की निरोगी काया कैसे बनेगी? तपकर राज कर नरका, ये शूटिंग कहाँ होगी? है संगम युग में जो राजा किस्म की आत्माएं हैं वो बार बार तपस्या करेंगी, तपस्या करने के बाद बार बार इस दुनिया में आके राज्य करेंगी, राज्य करेंगी तो अहंकार में आकर के
अभिमान को बढ़ाएंगी उनको पुरुषार्थ खलास नहीं होता उनका है। राव ऐसा बना हुआ है 63 जन्मों की राजाई की शूटिंग का। भट्टी करके आ गया तो अब बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ गया कि बाप आया हुआ है तो इनको क्यों चिंता हो रही है। नहीं सुनते हैं सोचो सबके घर की एक ही बात है। कहीं घर वाले नहीं सुनते हैं, कहीं दुनिया वाले नहीं सुनते हैं, कहीं मोहल्ले वाले नहीं सुनते, कहीं रिश्तेदार नहीं सुनते। वो तो ज्ञान की ये खासियत है ईश्वरीय ज्ञान की। उनकी सेवा कैसे करनी है? उनकी सेवा अपनी धारणा से करनी है। ज्यादा बोल बोल करने से वो नहीं मानेंगे। उनको अपनी आपकी धारणा उनको निश्चय बैठाएगी। डिसिप्लिन से लेने लेते घर में हैं बाबा की जो डिसिप्लिन है ना है लेते। अरे जिससे सुननी होगी वो तो कोई ना कोई तरीका निकाल करके सुन लेगा। वो कन्या माता है थोड़ा ही है जो घर में बंद है 24 घंटे। आगे आगे बढ़ कर बैठो और पीछे माता है आगे और आगे बढ़ो। माया आदि माया माने बीज रूप आत्मा। माया माने ज्यादा चौड़ी चक्री जड़ रूप में हो जाए आधार रूप। बीज छोटा सा होता है और उसकी जड़ मोटी सी लंबी चौड़ी हो जाती है। एक बात है, एक भाई रेडवन का तो ट्यूबवेल का फोन आया था तो वो अगर उसके म्यूबल पे शक करता है तो बोले बाबा से मैं ये पूछू क्या डायरेक्ट ऐसे बाबा सिखाते हैं क्या क्या सिखाते हैं कि आपने युगल पे शक करो अपने युगल के ऊपर शक करो। मैंने संचय लो वो तो बात बात के होते हैं। कोई एडवांस में आ जाते हैं, एडवांस में आने के बाद भी उनकी धारणा अच्छी नहीं होती दूसरे युगल। ये तो कोई खास बात नहीं है। तो क्या उसको जवाब क्या दे उसको फोन आने वाला है? किस बात का जवाब दें उसको? बोले बाबा से पूछो। हाँ बोल रहे थे फोन लगाओ फोन लगाओ। तो शक करने से क्या होता है? कोई कितनी भी शक करता रहे हम फोन नहीं लगा सकते। हमने बोल दिया कोई कितनी भी शक करता रहे अगर हम अपने में अच्छे हैं सच्चे हैं तो शक क्या करेगी। मनसा सेवा और सूक्ष्म श्रेणी की सेवा मनसा सेवा कोई दूसरी चीज थोड़े ही होती है। स्वप्न में मन इधर उधर भाग जाता है वही मनसा सेवा। मन इधर उधर जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ तो वो स्वप्न दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ये मन की सेवा है। मन को एकाग्र करने की जिसमें जितनी जास्ती शक्ति होगी उतनी ज्यादा मनसा सेवा कर सकेगा। सूक्ष्म शरीर से भी कर सकते हैं ऐसा? वो ही अंतर्वाह शरीर है कोई दूसरा नहीं है। पांच विकार जो है पांच विकारों से धृतराष्ट्र को संजय ने गीता सुनाई। हाँ तो ब्रह्मा बाबा को जो सारा परिवार का जो समाचार है वो देने वाला कौन था? हैं ही समाचार देता था ना तो संजय हो गया ना है। हाँ जी बाबा पांच विकारों का तो गायन है। हाँ लेकिन इनके साथ साथ बाबा मुझे में उनके बाल बच्चों का गायन नहीं है जो अलबेलापन है। हाँ उसके बारे में बाबा ने मुझे में कहा है कि ये बहुत खतरनाक उनसे भी साबित हो सकता है। तो बाप से बच्चा कभी कभी समाया हो जाता है। ये अलबेलापन किसमें आता है? जिसमें देह भान होता है उसमें अलबेलापन आता है।
या जिसमें देवान होता ही नहीं उसमें अलबेलापन आता है। देवान होगा तो अलबेलापन भी आएगा, सुस्ती आएगी। एक आदमी बोला एडवांस जो जो चीजें आधार मूर्तों में है वो सब एडवांस में मौजूद होनी चाहिए। अंडा था, हाँ तो अंडा था, उसका बीज भी अंडा होगा। ज्ञान का ना अभी हम आत्मिक स्टेज में क्यों नहीं, हाँ क्योंकि बहुतों का संग लग रहा है। और मतलब दिन भर हम जो काम करते हैं, काम करते करते बुद्धि भी काम करती है, तो बहुत सारे संकल्प जो उठते हैं वो कई बार अच्छे होते भी नहीं है, उन संकल्पों को रोक कैसे लगाए? बार बार अभ्यास करके, बार बार बुद्धि में ये धारण करके, ये दुनिया जाने वाली है, सर्वंगुर है, आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास होने वाला है, आज है कल स्वाहा हो जाएगा। इस बात पर अगर जितना जितना निश्चय पैदा होता जाएगा और जितनी जितनी याद की प्रैक्टिस होती जाएगी उतना उतना खराब होता जाएगा। बाबा सुबह जब याद में बैठते हैं तो पहले तो हम कुछ ना कुछ मन में याद करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में ऐसा हो जाता है कि कुछ विचार ही नहीं आता है और ऐसे बैठे रहते, बाद में एकदम होते क्या हम ऐसे बैठे, इसका मतलब क्या है? और सब क्या कहें, कोई कोई होते हैं सन्यासी, उनकी फूलजन की प्रैक्टिस होती है नील में जाने की, तो बार बार नील में जाते रहते हैं। मतलब क्या, अब यहाँ तो बाबा ने बता दिया नील में नहीं जाना है, स्मृति में रहना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु और मुकर्र रथ में आया हुआ है, चैतन्य में कार्य कर रहा है, सत्य है, चैतन्य है और आनंदमय है, उस रूप में रहेंगे, निल क्यों जाए? जैसे वो 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे का कुंभक करते हैं, सांस को अंदर रोक लेते हैं, नील में चले जाते हैं, तो उनकी सांसें बढ़ जाती है, कुछ आयु बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, इसके अलावा और तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो नील की अवस्था में याद की अवस्था नहीं कहेंगे। सन्यासियों ने भारत को पतित होने से थमाया है, मतलब वो असली पवित्रता को नहीं जानते हैं, फिर भी उन्होंने जो राजाओं की शक्ति छीन हो रही थी उस शक्ति को छीन होने से थोड़े समय के लिए बचाया, तो संगयुग में ऐसे ही सन्यासी हैं, सन्यासी वर्ग की आत्माएं वो संन्यास वृत्ति में रह रही है, गर्भस्थ में नहीं रह रही है। जैसे मान लो ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो सन्यासी है कि गृहस्थी है? सन्यासी है तो पवित्र तो रहती है, बल सच्ची पवित्रता का अर्थ नहीं जानती कि सच्ची पवित्रता क्या है, वो समझते खुशवाज खुशवाज हो गई तो हमने पवित्रता धारण कर ली। बाबा ऐसी पवित्रता बताते नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति छीन होने से अपने को बचाते तो हैं। लेकिन भारत को भारत पिता के लिए बोल रहे हैं, हाँ वो पति होने से थमाया, हाँ थोड़े समय तक थमा रहा भारत भी, भारत के लिए क्या जरूरत, तो पता नहीं क्या आदत होती, प्रैक्टिकल भारत, हाँ प्रैक्टिकल भारत कहते हैं भारत। स्वामीनारायण के मंदिर गुजरात में, क्यों स्वामीनारायण के मंदिर दिल्ली में नहीं है?
हाँ गुजरात में भी है, गुजरात से पैदा हुआ होगा स्वामीनारायण है। मगर सब बातें गुजरात से ही आ रही है, भूकंप अभी अज्ञान की रात गुजर गई होगी, ज्यादा परीक्षा भी किसके ऊपर आई, मुसीबतों में पहाड़ भी पहले किसके ऊपर आना चाहिए, स्थूल गुजरात से हो रहा है, वो स्थूल गुजरात, वो चैतन्य गुजरात, वो हद का, वो बेहद का। बाइबल को इतना महत्व दिया है जैसे गीता समान, हाँ वो बाइबल लिखा है, क्राइस्ट ने लिखा है, क्राइस्ट ने लिखता है, कोई धर्म पिता आते हैं तो सिर्फ बोलते हैं या लिखते हैं, जब उनकी लाखों की जनरेशन हो जाती है तब उनके कोई चेले चपाते बैठ करके लिखते हैं। तो गीता समान कैसे बन गया? वो गीता समान थोड़े ही है, गीता का बाल बच्चा है बाइबल, बाई जी का बल है। वो बाई जी उनकी बगल में है तब तक उनमें ताकत आई थी। भाई जी क्या भाई? बाई 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 बाबा और बाई। बाबा बोला है कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी शरीर करते जाओ, तो बीमारी आती है तब भी ये लागू होता है? क्यों नहीं लागू होता? तब तो याद आती है बाबा की है, पर रोना भी तो आता है बाबा बीमारी से। सबको रोना थोड़ा ही आता होगा, कहीं दर्द होता है तो उस समय सारी फील में निकल जा। अच्छा पैर में ही चले तो नहीं चलेगा, ये हिम्मत करेंगे तो मदद मदद बाप की मिलेगी। तो कोई सेवा मिले ही नहीं तो यही आज होता ही। इतनी बड़ी दुनिया फैली हुई है, ज्यादा बातचीत करना अच्छा होता है या कम बातचीत करना अच्छा होता है? तो बाबा ने हमें दैवी गुण सिखाया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो देवताएं भी कैसा करते होंगे, बहुत कम बोलते हैं, बाकी इशारे से बातचीत करते हैं। बाबा जिसका शरीर नहीं चढ़ता वो उसकी आत्मा पावरफुल नहीं होगी? ये बात नहीं, याद में भी पावरफुल होना साथ में, शरीर सड़ गया और याद में पावरफुल हुए नहीं तो जो, जो तो दुनिया भी बात हो गई है। साढ़े चार लाख जो आत्माएं हैं वही सर है, 4.5 लाख आत्माएं जो है वो उनके से, वो 5,000 साल पुरानी आत्माएं है ना, तो जो 5,000 साल पुरानी आत्माएं हैं उनके प्रकृति के 5 तत्व तो ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे या दुनिया वालों के ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे? जो 5,000 साल पुरानी आत्माएं हैं वो आत्माएं ज्यादा तमो प्रधान है, पुरानी है, तो उनके 5 प्रकृति के तत्व भी, उनके जो साथ रहने वाले हैं वो भी ज्यादा तमो प्रधान। लेकिन बाबा हम तो एडवांस ज्ञान में, जैसे हमारा कुछ बीमारी दर्द नहीं होती पहले जैसे होती थी, तो एडवांस में आपने ज्यादा प्राप्ति की है, बेसिक वो तो प्राप्ति नहीं की। और चालीस से पहले जन्म लिया होगा तो वो ज्ञान में नहीं हो सकती है जी की आदमी, तो वो कैसे कैसे आ गई है इस एडवांस कैसे आ गई, झट से कैसे आ गई, क्यों वहाँ भी झट से आ रही होगी तो यहाँ भी झट से आ जाएगी, वहाँ कहाँ मिले पिला होगा वो? हैदराबाद ओके। अरे पहले आदि में जो शक्ति की आदि की आत्मा है वो भारत के पूरब में होती है आदि में, तो अंत में कहाँ जाएगी? है सूरज है तो सूरज है पूरब में उदय होगा, तो अंत कहाँ होगा, अस्त कहाँ होगा, पश्चिम में, तो आखिरी जन्म में कहाँ होनी चाहिए फिर? पश्चिम में होनी चाहिए, पश्चिम को बहुत आगू थोड़ी है।
2004 में मनसा की शूटिंग खत्म होती है, प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल मूर्ति है विष्णु, वो प्रैक्टिकल शूटिंग अभी भी बाकी है। अभी अभी भी नहीं जाएगी। हाँ होगी। और बाबा अभी हर एक कैसेट में बोल रहे हैं बाबा गुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे, सबके लिए गुप्त हो जाएंगे क्या? है अभी तो 2000 में, 2000 में भी तो बोला था बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए, तो ऐसे ही वहाँ भी होगा। तो ये जो विदेशी बाप के पास निकल गए वो बच्चे उनके सामने गुप्त हो गए, जो पहले बाप को पहचाने और जो भूल जाए उनके सामने गुप्त, उनके सामने गुप्त, जो दूसरों की बातों में आ जाए, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके सामने नहीं ना। रेगुलर रेगुलर की कोई कनेक्शन नहीं, रेगुलर यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, बुद्धि दूसरी जगह लगी हुई है। नहीं नहीं, तो रेगुलर हुआ क्या हुआ? नहीं, मनसा से रेगुलर है। हाँ, मनसा मनसा से रेगुलर, ये थोड़ा ही है घर में बैठे हम मुरली पढ़ लेंगे, हम घर में बैठे बाप को याद कर लेंगे, हम तो सन्मुख हैं बाप से मिलते भी है ना आके। हाँ जी, वो दोनों बातें उनकी अंदर से भी और बाहर से भी। बाबा तो बच्चों को नंबर वन प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं, लेकिन जब बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारी सेवा, बाबा हमसे मिल सकते हैं क्या? अगर सेवा ज्यादा रहेंगी तो बाबा आ सकते हैं क्या? मतलब क्या अंत तक हर एक को बच्चे द्वारा ही बाबा मिलेंगे? अरे तो बाबा जो है वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होंगे या जो पैदा ही नहीं हुए उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे? तो पैदा तो तब होंगे जब 9 महीने पेट में पकेंगे। अरे तो बच्चे करना जरूरी है क्या? बिना पेट में पके पैदा हो जाता बच्चा? प्रजा में ऐसा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या प्रत्यक्ष हो जाएंगे? बच्ची के बगैर भी ऐसा अंत। कौन से बोलने में कहा कि जो बाबा के बच्चे हैं बिना बच्ची किए 4.5 लाख की संख्या में आ जाएंगे, प्रजावर्ती आत्मा के साथ। हाँ, प्रजावर्ग की आत्मा में आ जाएंगे। जो पहले जन्म की प्रजा है उसमें भी कोई शिफ्ट होती है, जो दूसरे धर्मों की प्रजा में नहीं होती है। पहले जन्म की प्रजा भी बहुत तीखी होगी, उनको भी बच्ची कर। हाँ, सितारों की स्टेज में होगी, नवरात्र सितारे जो गाए हुए हैं। तो बच्ची करके भाग जाते हो? भाग जाते हो फिर आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ?